जय हिंद साथियों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में मेडिकल टेस्ट कैसे लिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी बारीक से ए टू जेड तरीके से बताऊंगा कि वहां पे मेडिकल टेस्ट कैसे लिया जाता है, सारी चीज़ें, और कभी आपको वहां पे पॉइंट लगता है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करना है। चलिए शुरू करते हैं। चलो, एक लड़के आ गया दीजिए फटाफट। चलिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइए आप। दोस्तों, ये अपना साथी है, भर्ती कब अपनी? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर, यानी कि आज से दोस्तों 6 दिन बाद। यस सर। अभी टाइमिंग कितनी आ रही है? 5:15 आ रही। भर्ती मार दोगे क्या आप? यस सर। ठीक है, सब दोस्तों, ये अपना सौरभ है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से, अपर से, यहाँ से हम शुरू करते हैं, इनका आई से शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो आई है वहाँ पे सबसे पहले क्या कलर विजन चेक किया जाता है। कलर विजन जो दोस्तों होता है वो लाइलाज बीमारी है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, कभी आपको कलर विजन है दोस्तों, आप क्या इंडियन आर्मी अग्निवीर की जीडी तैयारी ना करें, क्योंकि उसमें एक मेडिकल फंस जाएंगे और कलर विजन क्या ठीक नहीं होता है, ठीक है। Yes, और दूसरी बात, जो वहाँ पे एक और पॉइंट लगता है वो है 6x6 का। अगर किसी की आँख क्या है, अगर 6x6 नहीं है, तब भी दोस्तों क्या है कि आप क्या मेडिकल से बाहर हो जाओगे, पॉइंट लग जाएगा और आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इसलिए इंडियन आर्मी अग्निवीर में आपकी जो आँख है वो 6x6 होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आँखों का। और एक चीज़ और देखा जाता है कि आँख में और क्या क्या देखा जाता है, एक चीज़ और कि वहाँ पे इस तरह आप मेरे हथेली को, उंगली को देखिए जगह आप, समझ, इस तरह आँखों को भी देखा जाता है कि बंदा कोई लेंस वगैरह तो नहीं लगाए। कुछ लड़के क्या बहुत फ्रॉड करते हैं, वो क्या जिनकी आँख खराब होती है वो क्या तरह तरह का लेंस लगा लेते हैं, जिससे क्या बचने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह धोखाधड़ी करते हैं। इस तरह दोस्तों ये तीन चीज़ें आँख में आपका देखा जाता है, आँखों में, ठीक। अब बात करते हैं कान से। कान में दोस्तों पहला नंबर वहाँ पे देखा जाएगा कि कान के जो पर्दे हैं उसमें कहीं छेद तो नहीं है, कहीं कान के पर्दे में थोड़ा फटा हुआ तो नहीं है, ठीक है, छेद तो नहीं है। और दूसरा चीज़ देखा जाता है कि कान में क्या मवाद वगैरह तो नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर अगर कुछ चीज़ें जो जमा हुआ है जैसे मिट्टी वगैरह या गंदगी वगैरह, ठीक है, तो वो चीज़ें भी क्या पॉइंट लग जाती है, उसको आप दोस्तों साफ करा के जाए। ये हुआ कान की बात। अब बात करते हैं नाक का। नाक में दोस्तों, नाक में आपकी हड्डी जो होती है, जो DNS हड्डी बोलते हैं, ठीक है, उसको देखा जाता है। बहुत लोग क्या होता है कि नाक की जो हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है, तो वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये नाक में हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी आपको है तो आप ठीक करा ले। और एक चीज़ और सुन लीजिएगा, बहुत लड़कों को मैंने देखा था, एक लड़का नेवी कलर का था, उसका क्या था कि दोस्तों की वहाँ नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी थी, तो बंदा क्या ऑपरेशन करा दिया था भर्ती से पहले। लेकिन कभी आप इंडियन आर्मी अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑपरेशन मत कराइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चीरा टाका लग जाता है, आपको पता चल जाएगा, मेडिकल में जाएंगे पता लग जाएगा। yes, और अपने पास समय नहीं है कि 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन नहीं कराना है, भर्ती निकल जाए, रीमेडिकल आपको मिलता है तो वहाँ पे आप जरूर करा ले, बाकी उससे पहले आप चीरा टाका यहाँ मत कराइएगा। ये हुआ नाक। अब बात करते हैं मुँह से। मुँह खोलिएगा। अब दोस्तों मुँह में क्या है, सबसे पहले आपका गिना जाता है कि आप में क्या 14 दांत ऊपर और 14 दांत नीचे देखा जाता है कि नहीं है, ठीक है, उसमें पॉइंट लग जाता है। 14 दांत से कम होता तब भी पॉइंट लगता है। दूसरा आप कीजिएगा, दूसरा देखा जाता है कि आपके दांतों में कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है, कहीं काढ़ा तो नहीं है, या आप मसाला वगैरह खाते हैं जो जर्दा वगैरह यहाँ पर काला काला हो जाता है ना, वहाँ पर पॉइंट लग जाता है भाई। ये देखा जाता है दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट लगता है वो ये है कि आगे जो दांत है, आप कीजिएगा, आगे जो दांत है वो जो 2 दांते होते हैं वो क्या है, आपके दांत नहीं निकलने चाहिए, यानी कि प्रॉपर 2 दांत रहने चाहिए सामने के। अगर 2 दांत सामने के नहीं है तो आपको पॉइंट लग जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है क्या? ये चीज रहेगा दोस्तों। ये हुआ मुंह का, ठीक है। अब बात करते हैं शोल्डर का। शोल्डर क्या बराबर फिट रहना चाहिए। बहुत लड़कों को शोल्डर क्या होता है, अप डाउन रहता है, सामने देखिए सभी लोग, बहुत लोगों को क्या शोल्डर अप डाउन रहता है, जैसे पुष्पा जो मूवी आई थी ना, इस तरह कभी आपका है, जिन भी साथी का है तो दोस्तों वहाँ पे मेडिकल पॉइंट लग जाएगा, और वो चीज़ ऐसा है कि उसमें लाइलाज है, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते दोस्तों, तो आप इंडियन में अग्निवीर की तैयारी ना करें दोस्तों। ये यहाँ से आप फिट रहना चाहिए शोल्डर से। अब बात आती है निप्पल से। यहाँ से चेस्ट है, निप्पल, कुछ लड़कों के यहाँ निप्पल जो होता है बहुत ढीला होता है, बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों के यहाँ गांठ वगैरह बना रहता है। दोस्तों मैं चाहूँगा आप देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे तो कुछ लड़के क्या गांठ वगैरह बना रहता है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इनका गांठ बना रहता है वो मेडिकल से अनफिट हो जाएंगे भाई, कभी है तो उसको क्या डॉक्टर से आप ठीक करा ले, ठीक। और डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन मत कराइएगा, तब आप भर्ती देखते ही आइए, उसके बाद रीमेडिकल मिलेगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. बात करते हैं कि हाथों को किस तरह वहाँ पे चेकअप किया जाता है।
अब हाथ कीजिएगा वहाँ पे दोस्तों, एल्बो जो कि हाथ के यहाँ सटना उसको एल्बो बोलते हैं, वहाँ पे कैसे चेकअप किया जाता है, इस तरह चेकअप करेंगे ठीक है। यहाँ पे कभी आपका सट रहा है तो दोस्तों ध्यान रखिए, कभी यहाँ पे सट रहा है तो मेडिकल पॉइंट लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, वीडियो मैंने डाल रखा है एक्सरसाइज हाथों का एल्बो के लिए ठीक, आप उसको चेक कीजिए, देखिएगा, फॉलो कीजिए, आप यकीन मानिए आपका ठीक हो जाएगा इस तरह। और दोस्तों उंगलियाँ वगैरह जो है अच्छे से क्या प्रॉपर चेकअप किया जाता है, कहीं उंगली क्या हुआ, किसी का कटी वगैरह तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है ठीक है। इस तरह प्रॉपर अच्छे से चेकअप किया जाता है, कहीं टूटा वगैरह हाथ तो नहीं है, सीधा इस तरह चेकअप किया जाता है। कभी है तो उसको ठीक करा ले, या फिर आप भर्ती देख के आए दोस्तों, कुछ चीज़ें क्या होती है कि आप भर्ती एक बार जरूर देखें, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में। बहुत मैंने लड़कों को देखा है कि मेडिकल में अनफिट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन भगवान के कारण या ऊपर वाले कारण, किस्मत के कारण वो बंदे क्या मेडिकल पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं मेडिकल में ठीक है। yes, अगर आपको बहुत ज़्यादा है, मेजर है, तो आप उसको ज़्यादा सीरियस मत ले, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे मेडिकल जब आप कराने जाए तो, बिल्कुल मोटिवेट रहे, कॉन्फिडेंट रहे दोस्तों, यकीन मानो आप जरूर सफल होंगे और उसमें मेडिकल पास हो जाएंगे ठीक है दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में आपको देखा जाता है कि वहाँ पे कि जो आपका वृषण है, वृषण क्या ज़्यादा छोट बड़ा तो नहीं है, किसी किसी का वृषण क्या होता है कि बहुत बड़ा होता है, कुछ दूसरा वाला छोटा होता है, तो ऐसे में पॉइंट लग जाता है, समझ में आ रहा है क्या। वृषण जो है दोस्तों 19-20 रहेगा तो चलेगा, 19-20 ठीक है। यस सर, लेकिन कभी बहुत बड़ा है तो मेडिकल में बाहर कर देंगे भाई, ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या देखा जाता है उसमें वृषण में, ये भी देखा जाता है दोस्तों कि कहीं उसमें पानी वगैरह तो नहीं भरा है ठीक है। बहुत लोगों के साथ हाइड्रोसील हो जाता है, उसमें पानी वगैरह भर जाता है, ऐसे टच करने दर्द करता है, कभी है तो उसको भी ठीक करा के ही जाए ठीक है। हम बात करते हैं कि पेनिस में क्या कैसा पॉइंट लगता है, वहाँ पे हम बताते हैं आपको दोस्तों। सबसे पहले क्या, पेनिस जो है वो चीज़ क्या है, पूरा ओपन होना चाहिए। बहुत साथियों क्या होता है कि पेनिस जो ओपन नहीं होता, जो टोपी होता है ओपन नहीं होता है, जिस कारण पॉइंट लग जाता है। कभी आपका पेनिस ओपन नहीं हो रहा तो वहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, समझ आ रहा क्या, ध्यान रखिएगा ठीक है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि सर बताइए कि पेनिस अगर टेढ़ा है या छोटा है, छोटा है किसी का बहुत बड़ा होता है, तो बताइए कि उसमें क्या पॉइंट लगता है क्या दोस्तों। जी नहीं, कभी आपका पेनिस छोटा है या टेढ़ा है ठीक है तो उसमें कोई पॉइंट नहीं लगने वाला, आप बिल्कुल मोटिवेट रहे, निश्चिंत रहे, कोई भी पॉइंट नहीं लगेगा, आप मेडिकल फिट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हुआ यहाँ की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे ठीक है नौकनी का, नौकनी पोजिशन मैंने ये फटाफट। यहाँ पे दोस्तों नौकनी में क्या, आपका जो थाई है, थाई में टच नहीं होना चाहिए, घुटना आपका सटना नहीं चाहिए, कभी घुटना सट रहा है तो वो चीज़ें क्या है, पॉइंट लग जाएगा। आप मेडिकल में पॉइंट लगने के बाद आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान रखिए। इसके लिए मैंने एक्सरसाइज के वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपकी नौकनी प्रॉब्लम एक महीने में ठीक हो जाएगी, उसको बढ़िया असरदार तरीका मैंने बता रखा है। ये हुआ नौकनी। अब बात करते हैं शूज उतार लीजिए फटाफट, पोजिशन फटाफट शूज उतारिए दोस्तों। अब बात करते हैं फ्लैट फुट पोजिशन, लेट जा भाई, लेट जा, बैठ जा नीचे, लेट जा फटाफट ठीक है। अब दाहिने पैर उठाओ, दाहिने पैर फटाफट दोस्तों, मैं चाहूँगा नज़दीक आइए दोस्तों, देख सकते हैं इनका क्या फ्लैट फुट नहीं है ठीक है। यहाँ पे आर्च बना हुआ है, बहुत साथियों क्या रहता है कि आर्च नहीं बना रहता, समझ रहे। इनका जो फ्लैट फुट है लगभग 80% तक सही है, समझ रहे हो, 80% तक दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे से, इनका ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आर्च बना है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बिल्कुल 80% तक इनका पैर सही है। कभी इनका क्या और थोड़ा सीधा होता तो इनको पॉइंट लग जाता है ठीक है। कभी आपको यहाँ पे फ्लैट फुट है तो आप क्या सूज पे रनिंग करें, डाउनवर्ड सीधे अप कर जाओ, कभी फ्लैट फुट है तो आप क्या बिल्कुल सूज पहन के तैयारी करो भाई। कभी जो लड़के फ्लैट फुट अक्सर उन्हीं को होता है जो बंदे क्या है नंगे पाँव दौड़ते, काफी दिन से नंगे पाँव दौड़े जिन कारण उनका फ्लैट फुट हो जाता है। तो यार आपको दोस्तों अगर है फ्लैट फुट तो उसमें क्या शूज पहन के रनिंग करें ठीक है। ये हुआ ठीक, बैक में पीछे आ जाइएगा ठीक, बैक साइड से यहाँ जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बहुत लड़कों क्या है ये चीजें बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है, वहाँ पे एक स्केल जैसे हाइट मेजरमेंट होता है वहाँ पे सीधा खड़ा करा देंगे और बिल्कुल सीधा टच कराएंगे आपका, ये जो गर्दन का जो पिछली भाग है, पिछली भाग और ये अपना ठीक है शोल्डर और हिप्स, ये तीन चार चीजें टच होना चाहिए उस लाइन पे, जो स्केल होता है उस पर टच होना चाहिए। कभी स्केल पर टच नहीं हो रहा तब भी क्या मेडिकल में आपको पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा ठीक है। ये दोस्तों यहाँ हुआ। अब बात करते हैं ठीक है कि बवासीर के बारे में ठीक है, कि बवासीर में दोस्तों बहुत लड़कों क्या बवासीर होता है उसको क्या इलाज है और वहाँ पे किस तरह चेकअप किया जाता है। आपको अगर बवासीर है यानी पाइल्स है तो ठीक है तो आप उसको ठीक करा के जाए दोस्तों, याद कर लीजिएगा। पाइल्स में अगर आपको मेडिकल लगता है तो आप बहुत कम चांस है कि आप रीमेडिकल फिट हो जाए,
बहुत कम चांस है, उसको आप ठीक करा के जाए। दोस्तों वहाँ पे चेकअप कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। वहाँ पे डाउन करा देंगे आपको, डाउन जाइएगा फटाफट, इस तरह डाउन करा देंगे। और जो आर्मी के जो स्टाफ रहेगा मेडिकल स्टाफ, वो क्या करेगा कि टार्च वगैरह लेके आपको खांसने के लिए बोलेगा। खांसने की कोशिश करिए आप, खांसने की कोशिश करेंगे इस तरह और टार्च से क्या पूरा अंदर तक देख रहे, कोई शर्माने वाली बात नहीं बाबू, मेडिकल में क्या है कोई शर्माना नहीं, सब क्या बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, बढ़िया कोऑपरेटिव स्टाफ होते हैं, ठीक है। yes, बढ़िया अच्छे से वहाँ पे चेकअप करेंगे, कभी क्या ब्लड वगैरह आता है तो भी पॉइंट लग जाएगा, तो आप उसको भी ठीक करा ले। अब खड़े हो जाइए सीधा, तो सीधा हो जाइए दोस्तों, ये होता है पूरा बेसिक, ठीक है। yes, पूरे कंप्लीट ए टू जेड तरीका। इससे ज़्यादा दोस्तों इंडियन आर्मी अग्निवीर में जीडी में इससे ज़्यादा मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, इससे ज़्यादा कोई भी अलग से पॉइंट नहीं लगता है। yes, समझ में आ रहा है। yes, तो वहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कभी आपको कंटिन्यू अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बताए ये जानकारी आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।